फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ, डिस्कवरी ऑफ सेल। सबसे पहली चीज तो सेल सबसे पहले किसने देखा? किसने? रॉबर्ट हुक ने, ईयर 1665। कैसे देखा, क्या यूज किया उनने? उनने यूज किया स्लाइस ऑफ अ कॉर्क। कॉर्क क्या होता है? ट्री का जो बार्क होता है उससे बनता है कॉर्क, ठीक है। अब आपको मालूम है कि कॉर्क तो एक डेड सेल है और वो देख रहे थे बेसिकली डेड सेल। किससे देख रहे थे? अपने खुद के बनाए हुए माइक्रोस्कोप से, ठीक है। और उन्होंने क्या देखा? उन्होंने देखा कि बहुत छोटे छोटे इसमें क्या है, कंपार्टमेंट्स है, रूम्स। ये हनीकॉम्ब जैसा दिख रहा है, देखने में कैसा दिख रहा है? हनीकॉम्ब। क्यों दिखा इनको ऐसा हनीकॉम्ब जैसा? क्योंकि उनने डेड सेल यूज किया, जैसे कॉर्क यूज किया, ठीक है। तो उन्हें दिखा कि छोटे 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 रूम्स है, ऐसे छोटे छोटे रूम्स दिख रहे हैं। नाम क्या दे दिया उनने? सेल, ठीक है। तो ये जो नाम है सेल, सेल मीन्स स्मॉल रूम्स, ये नाम इन्होंने दिया इसको सेल। क्या एग्जामिन कर रहे थे? थिन स्लाइस ऑफ अ कॉक। कॉक कहां से आता है? बार्क ऑफ अ ट्री। कैसा दिखा उन्हें? हनीकॉम्ब जैसे छोटे छोटे कंपार्टमेंट्स, लिटिल रूम्स, ठीक है। सेल्फ डिजाइन माइक्रोस्कोप, नाम दे दिया उनने सेल। इसके बाद कौन आए? नेक्स्ट आए ल्यूवेनहॉक। उन्होंने और इम्प्रूव कर दिया माइक्रोस्कोप को और पहली बार उन्होंने क्या देखा? फ्री लिविंग सेल्स इन द पॉन्ड वाटर। इसके पहले तो सब सोचते थे जो वाटर हम ड्रिंक कर रहे हैं दैट इज प्योर, कुछ नहीं है उसमें। लेकिन जब माइक्रोस्कोप के अंदर देखा, उन्होंने क्या देखा कि उसके अंदर एक ड्रॉपलेट ऑफ वाटर के अंदर तो बहुत सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, ठीक है। तो पहली बार इन्होंने देखा कि लिविंग सेल्स हैं किसमें? पॉन्ड वाटर में, ड्रॉप ऑफ वाटर में, ल्यूवेनहॉक। इनका जो माइक्रोस्कोप था कुछ इस तरह का दिखाई देता था, ठीक है, थोड़ा अलग सा है आज के माइक्रोस्कोप से। नेक्स्ट कौन आए? रॉबर्ट ब्राउन। रॉबर्ट ब्राउन इन 1831 डिस्कवर्ड द न्यूक्लियस। किस चीज की डिस्कवरी की? न्यूक्लियस की। सेल तो देख लिया था सबने, लेकिन सबको नहीं मालूम था सेल के अंदर और सभी सेल्स के अंदर एक कॉमन चीज है, क्या है वो? न्यूक्लियस। 1831 में रॉबर्ट ब्राउन ने न्यूक्लियस की डिस्कवरी की। 1839 में प्रोटोप्लाज्म के बारे में किसने बताया? पोर्किंजे। फ्लूइड सब्सटेंस होता है सेल के अंदर जिसे बोलते हैं प्रोटोप्लाज्म। और प्रोटोप्लाज्म क्या होता है? बेसिकली साइटोप्लाज्म प्लस न्यूक्लियस। साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस मिलाकर, मतलब कि सेल मेम्ब्रेन के अंदर जो भी कुछ है लिविंग, वो पूरा क्या है? प्रोटोप्लाज्म। उनने क्या बोला? लिविंग स्टफ इनसाइड द सेल। सेल के अंदर जो भी लिविंग स्टफ है वो पूरा का पूरा क्या है? प्रोटोप्लाज्म। ये किसने बोला? पोर्किंजे। फिर आए शॉन एंड शेल्डन और इन दोनों ने मिलकर सेल थ्योरी दी, ठीक है। सेल थ्योरी मतलब पूरा डिटेल्स की सेल कैसे बना है। तो उन्होंने ये बोला ऑल ऑर्गेनिजम्स आर कंपोज्ड ऑफ वन और मोर सेल्स। कम से कम एक सेल तो होना चाहिए, उससे कम हो ही नहीं सकता, लाइफ पॉसिबल नहीं है ना, लाइफ पॉसिबल ही नहीं है। इसलिए तो उसको फंडामेंटल एंड स्ट्रक्चरल यूनिट बोलते हैं। जिंदा रहने के लिए कम से कम एक छोटा, एक सिंगल सेल तो होना चाहिए, जैसे कि बैक्टीरिया, अमीबा या फिर मल्टीसेलुलर, उससे ज्यादा। तो ऑल लिविंग सिम्स ऑर्गेनिजम्स आर कंपोज्ड ऑफ वन और मोर सेल्स और सेल इज द बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट। जिस तरह से मैटर किससे बना है? एटम्स से। जिस तरह से बिल्डिंग किससे बनती है? ब्रिक से। तो कोई बिल्डिंग ब्लॉक होता है ना, कोई यूनिट सबसे छोटा, उससे फर्दर हम लोग नहीं ब्रेक डाउन कर सकते। तो उन्होंने बोला सेल, सेल से नीचे हम लोग, उसके अंदर है चीजें, लेकिन इंडिपेंडेंट अगर एग्जिस्ट करना है तो सेल।
ये बेसिक यूनिट है जो जिंदा रह सकता अपने आप, ठीक है। ये सेल थ्योरी दी किसने, शेल्डन एंड शॉन ने मिलकर 1839 में। और उसके बाद इसी सेल थ्योरी को थोड़ा सा और उनने डिटेल कर दिया किन्ने, विर्चौफ, रुडोल्फ विर्चौफ। उन्होंने क्या बोला कि जो भी सेल्स बनते हैं फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स, एक सेल से ही नया सेल बन सकता है, कोई नॉन लिविंग चीज से कोई सेल नहीं बन सकता, ठीक है। तो सेल थ्योरी शेल्डन शॉन ने दी, उसको फर्दर एक्सपेंड किया विर्चौफ ने, सेल अराइजेज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल, एक सेल से ही नया सेल बन सकता है, ठीक है। अब आप देख रहे हो कि एक चीज कॉमन है इन सब में, दैट इज माइक्रोस्कोप। तो स्टार्टिंग में तो सेल्फ डिजाइन माइक्रोस्कोप्स थे, फिर उसमें एडवांस्ड माइक्रोस्कोप, ये क्या है, एक कंपाउंड माइक्रोस्कोप। कंपाउंड माइक्रोस्कोप मतलब जिसमें एक से ज्यादा लेंस यूज होते हैं, एक लेंस है यहाँ आईपीस और एक लेंस है यहाँ पर ऑब्जेक्टिव, इसको बोलते हैं कंपाउंड माइक्रोस्कोप। इसमें मैग्निफिकेशन काफी बढ़ जाती है, ठीक है। अगर माइक्रोस्कोप बनाने को आया तो आप इस तरह से बना सकते हैं, और इसकी लेबलिंग कुछ ऐसे करेंगे, ये हो गई उसकी बॉडी। एडजस्टमेंट दो होता है, एक कोर्स एडजस्टमेंट जल्दी से एडजस्टमेंट, और फाइन बिल्कुल क्लैरिटी लाने के लिए। ये इस पूरे का आर्म हो गया, स्लाइड है, और स्लाइड को लगाने के लिए क्लिप्स हैं ताकि स्लाइड हिल ना जाए। एक मिरर लगा हुआ है, मिरर इसलिए कि बाहर से लाइट आए और रिफ्लेक्ट होकर अंदर जाए, ताकि ये जो चीज है जो स्लाइड आपने लगाई है वो ब्राइट दिखे, दिखाई तो दे कुछ, नहीं तो पूरा अंधेरा अंधेरा रहेगा, कुछ दिखाई नहीं दे। तो मिरर लगा होता है और ये फेस, ये हो गया लेबल्ड डायग्राम ऑफ कंपाउंड माइक्रोस्कोप। कंपाउंड माइक्रोस्कोप के अलावा क्या है, ये इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, मिलियन टाइम्स मैग्निफाई कर सकते हैं कंपाउंड माइक्रोस्कोप। ये देख लीजिए इस तरह से देखा जाता है। अब दोनों में डिफरेंस क्या है, लाइट माइक्रोस्कोप में ग्लास लेंस यूज होते हैं, यहां पर इलेक्ट्रोमैग्नेट्स यूज होते हैं। बीम ऑफ लाइट आती है, यहां पर बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आते हैं। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में वैक्यूम क्रिएट करना पड़ता है, यहां पर वैक्यूम की जरूरत नहीं होती है, ठीक है। अब हम ये देखने जा रहे हैं कि सेल, मान लीजिए हमें अनियन देखना है, अनियन का सेल देखना है अंडर अ माइक्रोस्कोप, उसका क्या तरीका है। सबसे पहले क्या करते हैं, अनियन को आपने काट लिया, उस कटी हुई अनियन से एक बहुत पतला छोटा सा एक स्लाइस निकाल लिया, उसको क्या किया, स्लाइड पर रखा, उसके ऊपर टू ड्रॉप्स वाटर डाल दिया, फिर टू ड्रॉप्स हमने क्या डाल दिया, आयोडीन डाल दिया ताकि उसको स्टेन कर दे। उसके बाद क्या किया हमने, एक कवर स्लिप लगा दी, आपकी ग्लास स्लाइड रेडी है। फिर हम उसको माइक्रोस्कोप के अंदर देखेंगे तो अनियन सेल कुछ इस तरह का दिखाई देता है, ठीक है। सेल वॉल्स दिख रही हैं, बीच में एक न्यूक्लियस दिख रहा है, और बाकी के सेल ऑर्गेनेल्स नहीं दिख रहे हैं, और अच्छी क्वालिटी का, बहुत ज्यादा मैग्निफिकेशन का माइक्रोस्कोप की जरूरत पड़ेगी, ठीक है। इसी तरह से ह्यूमन चीक सेल भी देख सकते हैं, ठीक है। ये ह्यूमन चीक सेल, ह्यूमन चीक सेल में क्या करेंगे, सबसे पहले एक स्पून लेंगे, स्पून से चीक से रब करके हम लोग स्पून को निकाल लेंगे, उससे क्या होगा, कुछ सेल्स उसमें चिपक जाएंगे। ग्लास स्लाइड के ऊपर हम उसको लगा देंगे, ये सेल्स इसके ऊपर आ गए, टू ड्रॉप्स वाटर डाल दो, टू ड्रॉप्स ऑफ सैफ्रनिन डाल दो ताकि वो थोड़ा स्टेन हो जाए। स्टेन हो जाए मतलब जैसे ये देखो आपने स्टेन किया था तो ये साफ साफ दिखाई दे रहा, नहीं तो कुछ दिखाई नहीं देता, पूरा सब ट्रांसपेरेंट रहेगा। फिर उसके ऊपर आपने कवर स्लिप लगा दिया, ये स्लाइड रेडी है, रेडी है। फिर इसको हम लोग क्या करेंगे, माउंट कर देंगे माइक्रोस्कोप पे और देखेंगे। तो ह्यूमन चीक सेल कुछ इस तरह का दिखाई देता है, अनियन सेल कुछ इस तरह का दिखाई देगा अंडर अ माइक्रोस्कोप। और हाई क्वालिटी का, हाई मैग्निफिकेशन का माइक्रोस्कोप लेंगे तो और भी चीजें दिख सकती हैं।
अब देखिए सेल जो है दो टाइप के होते हैं, प्लांट सेल एनिमल सेल दोनों में डिफरेंस है, ठीक है। तो ये एनिमल सेल का एक स्ट्रक्चर है, सबसे पहले देखिए क्या है न्यूक्लियस, देखते जाओ न्यूक्लियस कहाँ है, बिल्कुल बीच में, देख क्या न्यूक्लियस, गोल्जी एपरेटिस भी बोलते हैं, गोल्जी एपरेटिस कहाँ है, गोल्जी एपरेटिस, गोल्जी एपरेटिस ये। फिर उसके बाद आपने देखा वॉक्यूल, ये वॉक्यूल है, डिटेल में सबको सबका क्या यूज है एक एक करके पढ़ेंगे। एंडोप्लाज्मिक रेटिलियम दो होते हैं, रफ और स्मूथ, ये देखिए ये है एंडोप्लाज्मिक रेटिलियम जो न्यूक्लियस से कनेक्टेड होता है। माइटोकॉन्ड्रिया, ये है माइटोकॉन्ड्रिया जिसको पावर हाउस बोलते हैं। लाइजोजोम्स, सुसाइडल बैग, ये है लाइजोजोम्स, ठीक। और क्या है सेल ऑर्गेनेल्स, इसमें इसमें राइबोसोम्स हैं, राइबोसोम्स मतलब जो प्रोटीन्स बनाएंगे, तो राइजोसोम्स ये छोटे छोटे राइबोसोम्स हैं यहाँ पर। ये क्या है, ये है प्लाज्मा मेम्ब्रेन, तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन मतलब जो वॉल बनी होती है ना, ये वॉल है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ये बेसिक इंपॉर्टेंट सेल ऑर्गेनेल्स हो गए किसके, एनिमल सेल। अब हम देखने जा रहे हैं प्लांट सेल, प्लांट सेल में देखिए मेन चीज वही न्यूक्लियस, इसके अंदर प्लास्टिड्स होते हैं, प्लास्टिड्स जो एनिमल सेल में नहीं होते, क्लोरोप्लास्ट ये भी एक तरह का प्लास्टिड है, माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम्स, साइटोप्लाज्म तो होता ही है जो लिक्विड, ठीक है, सेल वॉल के अंदर जो होता है, सेल मेम्ब्रेन के अंदर। यहां पर आप देखेंगे प्लांट सेल में एक एक्स्ट्रा चीज है सेल वॉल, जो कि एनिमल सेल में नहीं थी, एनिमल सेल में क्या था, सेल मेम्ब्रेन, जिसको हम लोग प्लाज्मा मेम्ब्रेन बोलते हैं, सेल मेम्ब्रेन प्लाज्मा मेम्ब्रेन दोनों एक ही चीज। तो सेल मेम्ब्रेन के अलावा एक बाहर अलग से एक वॉल दी हुई है सेल वॉल, जो कि केवल प्लांट सेल में होती है, गोल्जी एपरेटिस भी दिख जाएगा आपको, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी दिख जाएगा, ये मेन मेन पार्ट्स हो गए, इसको एक एक करके हम लोग डिस्कस करने वाले। सबसे पहले आउटर मेम्ब्रेन, हम आउटर मोस्ट बोल सकते हैं क्या, प्लांट सेल के लिए आउटर मोस्ट नहीं होता क्योंकि उसके बाहर भी एक मेम्ब्रेन होता है ना, सेल वॉल, और अदरवाइज ये सभी का आउटर मोस्ट कवरिंग होता है। और ये कैसा होता है, सिलेक्टिवली परमिएबल, परमिएबल मतलब परमिट करता है कोई चीज को अंदर बाहर जाना, लेकिन सिलेक्टिव चीजों को अंदर बाहर जाने देता है, वाटर, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, न्यूट्रिशंस, ठीक है। इट परमिट्स द एंट्री एंड एग्जिट ऑफ ओनली स्पेसिफिक मटेरियल्स। प्लाज्मा मेम्ब्रेन फ्लेक्सिबल होता है, किसका बना होता है, लिपिड्स, प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट्स का बना होता है, और प्लाज्मा मेम्ब्रेन कैन बी ओनली सीन थ्रू इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। कैसा दिखता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन, कुछ इस तरह का दिखता है, प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स से मिलकर बना होता है, ठीक है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में एक और चीज, अब जो हमने पढ़ा कि सिलेक्टिवली परमिएबल होता है, तो चीजें जो है मूव कैसे करती हैं, तो मूव करती है चीजें अंदर बाहर बाय डिफ्यूजन। व्हाट इज डिफ्यूजन, डिफ्यूजन इज मूवमेंट ऑफ वाटर और गैस बिकॉज ऑफ डिफरेंस इन कॉन्सेंट्रेशन, डिफरेंस इन कॉन्सेंट्रेशन, तो कॉन्सेंट्रेशन मतलब जो चीज ज्यादा होगी, तो चीज ज्यादा होगी तो देखिए ये कॉन्सेंट्रेशन हाई कॉन्सेंट्रेशन है, बहुत ज्यादा पार्टिकल्स हैं, और यहां पर लो कॉन्सेंट्रेशन है, तो पार्टिकल्स मूव करते हैं कहां से, हाई कॉन्सेंट्रेशन से लो कॉन्सेंट्रेशन, पार्टिकल्स मूव करेंगे हाई कॉन्सेंट्रेशन से लो कॉन्सेंट्रेशन, इसी तरह से कार्बन डाइऑक्साइड मूव करता है, इसी तरह से ऑक्सीजन मूव करता है, और इसी तरह से वाटर भी मूव करता है, लेकिन वाटर के जो मूवमेंट को अलग नाम दिया गया है ऑस्मोसिस, ठीक है, और डिटेल में हम लोग देख रहे हैं यहाँ पर, ठीक है।
What is osmosis? Movement of water molecules from high concentration to low concentration. और बाकी सब air molecules की बात करें तो movement of air molecules from high concentration to low concentration is called diffusion. Diffusion ये भी है, लेकिन water के diffusion को special नाम दिया है क्या? Osmosis. तो movement क्यों होगा? Because of the difference in concentration. कहाँ से move करेगा? From high concentration to low concentration. High concentration से low concentration ही चीजें मूव करेंगी बाय द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन. ठीक है, मूवमेंट ऑफ वाटर सेम, उसको बोलते हैं ऑस्मोसिस. ठीक है, अच्छा, मूवमेंट ऑफ वाटर इज अफेक्टेड बाय द अमाउंट ऑफ डिसॉल्व्ड सब्सटेंस. अगर उसके अंदर वाटर के अंदर सब्सटेंसेस मिनरल्स डिसॉल्व हो जाएंगे तो उसके मूवमेंट का जो है स्पीड कम या ज्यादा हो जाएगा, डेफिनेटली, है ना. अब देखिए यहां पर, अगर हाई कॉन्सेंट्रेशन है कहां? इन द मीडियम सराउंडिंग द सेल. सेल के बाहर अगर हाई कॉन्सेंट्रेशन है, किसके कंपैरिजन में? अंदर के कंपैरिजन में. सेल के बाहर क्या है? हाई कॉन्सेंट्रेशन है और सेल के अंदर लो कॉन्सेंट्रेशन है, तो क्या हो जाएगा? Water will move from high concentration to low concentration. ठीक है, इसके कारण क्या होगा? सेल जो है वो swell हो जाएगा, फूल जाएगा, right? इसको बोलते हैं hypotonic solution. समझ में आया? Surrounding में ये swell हो जाएगा. Surrounding में अगर हाई कॉन्सेंट्रेशन है, अंदर लो कॉन्सेंट्रेशन है, तो द वॉटर विल मूव फ्रॉम हाई कॉन्सेंट्रेशन टू लो कॉन्सेंट्रेशन, जिसके कारण सेल स्वेल हो जाएगा, जिसको हम बोलते हैं टर्जिड हो जाएगा, फूल जाएगा, टर्जिड हो जाएगा. तो प्लांट सेल है, ये टर्जिड हो गया, लेकिन ये रप्चर नहीं हुआ. रप्चर क्यों नहीं हुआ? क्योंकि इसके ये प्लांट सेल है, सेल वॉल है, एक्स्ट्रा सपोर्ट. जबकि एनिमल सेल अगर बहुत ज्यादा टर्जिड हो जाएगा और तो ये बस्ट भी हो सकता है, एनिमल सेल. ठीक है, और अगर अंदर बाहर कॉन्सेंट्रेशन सेम है तो मूवमेंट नहीं होगा, या मूवमेंट जितना अंदर होगा उतना ही बाहर होगा. इस केस में हम क्या बोलते हैं? इट इज आइसोटोनिक. आइसो मीन्स सेम. अंदर और बाहर का कॉन्सेंट्रेशन सेम है तो फ्लो नहीं होगा, या फ्लो होगा तो जितना अंदर होगा उतना ही बाहर फ्लो हो जाएगा. इसको बोलते हैं आइसोटोनिक. लेकिन अगर बाहर का कॉन्सेंट्रेशन लो है और अंदर का कॉन्सेंट्रेशन हाई है तो क्या होगा? वाटर विल मूव फ्रॉम हाई कॉन्सेंट्रेशन टू लो कॉन्सेंट्रेशन, जिसके कारण क्या हो जाएगा? वो स्क्वीज हो जाएगा, श्रिंक हो जाएगा. ठीक है, ये सेल क्या हो जाएगा? श्रिंक हो जाएगा. दोनों को देख लो, सेल श्रिंक हो जाएगा. इस केस में बोलते हैं हाइपरटोनिक. ये श्रिंक हो गया. अच्छा, ये श्रिंक हो गया एनिमल सेल, ये तो ठीक है, लेकिन प्लांट सेल जो श्रिंक हो रहा है, इसका प्लाज्मा मेम्ब्रेन बाहरी है, अंदर का जो कंटेंट है वो श्रिंक हो गया. सॉरी, सेल वॉल वही है ना, अंदर का कंटेंट जो है वो श्रिंक हो गया. क्योंकि अंदर का कंटेंट श्रिंक हो गया, इसको हम लोग बोलते हैं प्लाज्मोलिसिस, और डिटेल में आगे देखेंगे. फिर से देखिए, अगर बाहर का कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है तो वो क्या करेगा? वो गेन कर लेगा, वाटर गेन करके स्वेल हो जाएगा. ऐसे कॉन्सेंट्रेशन, ऐसे सोल्यूशन को बोलते हैं हाइपोटोनिक. अगर सेम रहेगा कॉन्सेंट्रेशन तो उसको बोलते हैं आइसोटोनिक, सेम साइज रहेगा. और अगर कॉन्सेंट्रेशन बाहर का कॉन्सेंट्रेशन कम है तो क्या होगा? इट विल लूज वाटर, और लूज करेगा तो उसको बोलते हैं हाइपरटोनिक, जिससे वो क्या हो जाएगा? जिससे वो श्रिंक हो जाएगा. क्या इतना क्लियर है आपको? चलिए और देखते हैं. जैसे देख लीजिए आप, रीजन्स, सूखे हुए रीजन्स है, वाटर में डाला स्वेल हो गया,
ठीक है ना, स्वेल हो गया। लेकिन ये स्वेल वाले को उठा के आपने नमक में डाल दिया, फिर वापस वो श्रिंक हो जाएगा। तो जो गेन करता है उसको बोलते हैं एंडोमोसिस, और जो लूज करता है उसको बोलते हैं एक्सोसिस। हेलो, बोलिए, आप कौन बोल रहे हैं, किस काम से? किस चीज के लिए? अच्छा, कल सुबेरे आ जाइए 9 बजे। कल सुबेरे 9 बजे एक डेमो क्लास मिल जाएगी, प्लस आप बात भी कर लें। आज मैं तो पढ़ा रहा हूं तो मैं मिल नहीं पाऊंगा, ऑनलाइन ऑनलाइन ही पढ़ा रहा हूँ, कल आ जाइए। ड्राइड रेजिंस को आप वाटर में डालेंगे तो क्या हो जाएगा? स्वेल हो जाएगा। और उस स्वेलिंग, अगर रेजिंस को फिर से आप सॉल्ट सॉल्यूशन में डालेंगे तो वो लूज कर देगा वाटर। ये पॉइंट क्लियर हो गया आपको? हमने पढ़ा था कि सेल मेम्ब्रेन जो है फ्लेक्सिबल होता है, ठीक है, सेल मेम्ब्रेन फ्लेक्सिबल होता है, रिजिड नहीं होता, फ्लेक्सिबल। और फ्लेक्सिबल होने के कारण ही तो वो एनगल्फ कर सकता है, ये देखो, ये एनगल्फ कर सकता है, निगल सकता है फूड पार्टिकल्स फ्रॉम द एक्सटर्नल एनवायरनमेंट, ठीक है। तो ये जो एनगल्फिंग है इसको हम लोग क्या बोलते हैं? एंडोसाइटोसिस। आपको मालूम है अमीबा के बारे में? अमीबा क्या करता है? एक फॉल्स फीट, ऐसा फॉल्स फीट जैसा बना लेता है ताकि पार्टिकल को ट्रैप कर ले, और इसके बाद फिर वो उसको ट्रैप कर लेता है, एनगल्फ कर लेता है, ठीक है। तो क्या बनाता है ये? फॉल्स फीट। क्या बोलते हैं फॉल्स फीट को? सूडोपोडिया। फॉल्स फीट बनाता है जिसको बोलते हैं सूडोपोडिया, ये ऐसा बना रहा ना ताकि उसको पकड़ ले, इसको बोलते हैं सूडोपोडिया। लेकिन हम बोलेंगे कि अमीबा अपना फूड किस प्रोसेस से लेता है? हम बोलेंगे एंडोसाइटोसिस। एंडोसाइटोसिस मतलब एनगल्फ करना, ठीक। अब देखिए, दो चीज होता है, एक होता है एंडोसाइटोसिस, एंडोसाइटोसिस मतलब किसी चीज को निगल लेना, एनगल्फ कर लेना। इसको देखो, इसने फॉल्स फीट जैसा बनाया और ये इसको निगल लिया और इसके अंदर वॉक्यूल के अंदर चला गया। क्या है ये? एंडोसाइटोसिस, सेल ईटिंग, निगल रहा। और उसका ऑपोजिट क्या होता है? एक्सोसाइटोसिस। एक्सोसाइटोसिस मतलब अंदर का जो वेस्ट है उसको बाहर निकालना है, तो इस तरीके से वो निकाल देता, छोड़ देता है, ठीक है। तो वेस्ट मटेरियल उसको एक्सक्रीट करना है, वो किस तरीके से करेगा? एक्सोसाइटोसिस। ये देखिए, एक फिगर और बता रहा है। एंडोसाइटोसिस मतलब चीजें अंदर जा रही, एक्सोसाइटोसिस मतलब चीजें बाहर निकल रही। नेक्स्ट, सेल वॉल। तो आपको मालूम है कि सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन तो सभी में होता है, लेकिन प्लांट सेल में एक एडिशनल वॉल होता है जो रिजिड होता है, जिसको बोलते हैं सेल वॉल, ठीक है। ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बाहर होता है, सेल्यूलोज का बना होता है। इस चीज का बना होता है सेल्यूलोज। इसका काम है एक्स्ट्रा स्ट्रक्चर स्ट्रेंथ प्रोवाइड करना। आपको मालूम है कि एनिमल्स क्या होंगे? धूप है, ठीक है, बारिश है, खराब मौसम है, हम लोग सेफ्टी में शेल्टर में चले जाते हैं। प्लांट्स तो वहीं पे रहते हैं, है ना, तो वो डिस्ट्रॉय हो जाएंगे, बस्ट हो जाएंगे। उनको एक्स्ट्रा सपोर्ट की जरूरत है। एक्स्ट्रा सपोर्ट देने के लिए क्या है? सेल वॉल। और अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपको प्लाज्मोलिसिस समझाया। जब एक लिविंग
प्लांट सेल वाटर लूज करेगा तो वो श्रिंक हो जाएगा, तो उसका पूरा का पूरा कंटेंट सेल वॉल से श्रिंक हो जाएगा, सेल वॉल से दूर हो जाएगा। ये देखिए, ये पूरा का पूरा कंटेंट जो है श्रिंक हो गया अवे, इसको बोलते हैं प्लाज्मोलिसिस। तो कभी कभी टीचर्स आपको पूछ लेते हैं या एमसीक्यूज में आ जाता है, जब वाटर लूज करेगा तो वो श्रिंक हो जाएगा, श्रिंक हो जाएगा तो जो कंटेंट है वो सेल वॉल से दूर हो जाएगा, उसको बोलते हैं प्लाज्मोलिसिस। और अगर हाइपोटोनिक है तो वो क्या करेगा, वो वाटर एब्जॉर्ब कर लेगा, वाटर एब्जॉर्ब करके फिर क्या हो जाएगा, वो टर्जिड हो जाएगा, फूल जाएगा, और फूल जाएगा तो वो फट सकता है, डैमेज हो सकता है, तो डैमेज ना हो इसके लिए सेल वॉल है, सेल वॉल ने उसको एक्स्ट्रा सपोर्ट देके रखा हुआ है, जो बाहर प्रेशर जो है डेवलप हो रहा है उसको सेल वॉल फेस कर लेगा। ठीक है, तो स्वॉलन सेल्स का एक्स्ट्रा प्रेशर को सेल वॉल फेस कर लेगा और सेल बस्ट नहीं होगा, डैमेज नहीं होगा। हमने देखा था कि जब हमने अनियन सेल देखा या फिर चीक सेल देखा तो हमने उसमें कोई स्टेन डाला था, है ना, स्टेन, स्टेन मतलब कलर, कलर क्यों डालने हैं, ताकि वो थोड़ा सा कलरफुल हो जाए, क्योंकि अगर पूरा पूरा ट्रांसपेरेंट रहेगा तो आपको सेल ऑर्गेनेल्स दिखेंगे नहीं। तो आयोडीन, अपार्ट फ्रॉम आयोडीन, सेफिनिन एंड मिथाइलिन ब्लू इज ऑल्सो यूज एज स्टेन, इसको स्लाइड बनाने के लिए, सेल्स को माइक्रोस्कोप में देखने के पहले उसको स्टेन किया जाता है। क्या क्या यूज करते हैं, आयोडीन, सेफ्रिनिन एंड मिथाइलिन ब्लू आर यूज्ड एज स्टेन्स। नेक्स्ट, न्यूक्लियस। तो सेल के अंदर एक स्पेरिकल स्ट्रक्चर होता है जिसको हम लोग बोलते हैं न्यूक्लियस। ये ध्यान से देखना, ये है न्यूक्लियस, और न्यूक्लियस के अंदर एक और ऑर्गेनली है, एक कंपोनेंट है, वो भी स्पेरिकल है, न्यूक्लियोलस। न्यूक्लियोलस न्यूक्लियस के अंदर होता है, और न्यूक्लियोलस के बाहर आप देख रहे हैं ये थ्रेड थ्रेड जैसा, इसको बोलते हैं क्रोमेटिन मटेरियल, दैट इज डीएनए, और अगर अपन और डिटेल में देखेंगे। और न्यूक्लियस से अक्सर जुड़े होते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिलियम, एंडोप्लाज्मिक रेटिलियम में राइजोसोम्स होते हैं जिसकी वजह से वो रफ दिखता है, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिलियम की बात कर रहा हूं। तो हम न्यूक्लियस की बात कर रहे हैं, तो न्यूक्लियस में सबसे पहले न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डबल वॉल्ड होता है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डबल वॉल्ड होता है, ठीक है, उसके अंदर न्यूक्लियर पोर्स भी होते हैं, पोरस होता, क्योंकि इसके अंदर भी कुछ चीज अंदर और बाहर आएगी, पोरस होता है। आइए और देखते हैं, न्यूक्लियस होता है डबल लेयर, पोर्स होते हैं, कुछ मटेरियल अंदर बाहर जाएगा, ठीक है, किस चीज से बना होता है, डीएनए, डीएनए मतलब डीऑक्सीरिबो न्यूक्लिक एसिड, तो इट इज कंपोज्ड ऑफ डीएनए एंड प्रोटीन्स, और डिटेल में आगे बताऊंगा। और फंक्शनल यूनिट ऑफ डीएनए, डीएनए का जो डीएनए का एक जो फंक्शनल यूनिट है उसे जीन्स कहते हैं। अगर सेल डिवाइड नहीं हो रहा है तो वो इस थ्रेड लाइक फॉर्म में होता है, इन द फॉर्म ऑफ क्रोमेटिन मटेरियल, अगर डिवाइड नहीं हो रहा है तो वो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर जैसा दिखता है, अभी नीचे मैं दिखा दूंगा, और जब वो डिवाइड होने वाला हो तो वो ऑर्गेनाइज हो जाता है इनटू क्रोमोसोम्स, और न्यूक्लियस का रिप्रोडक्शन में एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, ठीक है। और देखते हैं, देखिए एक ह्यूमन बीइंग, उसको और अंदर देखा तो सेल, सेल के अंदर क्या है, न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के अंदर क्या है, क्रोमोसोम्स, क्रोमोसोम्स के अंदर क्या है, डीएनए, ये है वो क्रोमेटिन मटेरियल डीएनए, ठीक है। और डीएनए का एक जो फंक्शनल यूनिट है उसको हम लोग बोलते हैं जीन, डीएनए का एक कोई फंक्शनल यूनिट उसको हम बोल देंगे जीन।
डिफरेंस समझ में आया? हम बोलते हैं ना ये हमारे जीन्स में है, तो हमारे जीन्स में है, हमारे डीएनए में है, एक ही बात हो गई लगभग। क्योंकि जीन क्या है? स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ डीएनए। डीएनए किसके अंदर है? क्रोमोसोम्स के अंदर। क्रोमोसोम्स किसके अंदर है? न्यूक्लियस के अंदर। न्यूक्लियस कहाँ है? सेल के अंदर, राइट। कुछ ऑर्गेनिजम्स जैसे बैक्टीरिया, उनमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होता, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होता ही नहीं। न्यूक्लियस के अंदर की चीजें ऐसे खुले में रहती है, ओपन में, पुअरली डिफाइंड मेम्ब्रेन और नो मेम्ब्रेन, ठीक है। इनको क्या कहते हैं? इनको बोलते हैं प्रोकैरियोट्स, जिनके जिनके न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होता है। सेल्स विच लैक न्यूक्लियर मेम्ब्रेन आर कॉल्ड प्रोकैरियोट्स, और जिनके न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होते हैं उनको बोलते हैं यूकेरियोट्स। अच्छा, एक और चीज, जिनका न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होता है उसको तो न्यूक्लियस बोलते हैं, और जिनका न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होता है उनको क्या बोलते हैं? न्यूक्लियोइड। उनको बोलते हैं न्यूक्लियोइड। न्यूक्लियोइड मतलब न्यूक्लियस विदाउट मेम्ब्रेन, ऐसा न्यूक्लियस लेकिन बाहर का मेम्ब्रेन नहीं है, उसको बोलते हैं न्यूक्लियोइड, ठीक है। न्यूक्लियोइड अलग चीज हो गई, और न्यूक्लियोलस अलग चीज हो गया, ठीक है। ये है न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के अंदर एक कंपोनेंट होता है न्यूक्लियोलस। न्यूक्लियोइड अलग चीज है। न्यूक्लियोइड क्या है? ऐसा सेल जिसका जिसका न्यूक्लियस न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं है, उसके अंदर की चीजें हैं, ये क्रोमेटिन मटीरियल ये है, लेकिन खुले में है विदाउट मेम्ब्रेन, इसको बोलते हैं न्यूक्लियोइड। अब दो तरह के सेल होते हैं, एक प्रोकैरियोट एक यूकैरियोट। प्रोकैरियोट जिनका न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होता, बाहर की बाउंड्री वॉल नहीं है, खुले में है ये सब चीज, इसको बोलते हैं न्यूक्लियोइड, ठीक है। और जिसका जिसका न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होता है उसको हम लोग न्यूक्लियस कहते हैं। ऐसे सेल्स जिसके बाउंड्री वॉल होते हैं, जिसका न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होता है, उसको यूकैरियोट बोलते हैं। विदाउट न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इज कॉल्ड प्रोकैरियोट। यहां देखिए डिफरेंस, प्रोकैरियोट्स जनरली बहुत छोटे होते हैं, यूकैरियोट्स बड़े। प्रोकैरियोट्स में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होता और यूकैरियोट में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होता है, ठीक है, मेम्ब्रेन होता है। यहां पर सिंगल क्रोमोसोम्स होते हैं, यहां एक से ज्यादा क्रोमोसोम्स। न्यूक्लियोलस नहीं होता इसमें। न्यूक्लियोलस मतलब न्यूक्लियस के अंदर एक जो स्पेरिकल सब्सटेंस था न्यूक्लियोलस, न्यूक्लियोलस यूकैरियोट में होता, प्रोकैरियोट में नहीं होता, ठीक है। मेम्ब्रेन नहीं होता इसमें, मेम्ब्रेन आर एब्सेंट, यहां पर मेम्ब्रेन प्रेजेंट होता है। सेल डिवीजन जो है प्रोकैरियोट्स में फिशन या बडिंग से होता है, जबकि यहाँ पर मिटोसिस या मियोसिस से होता है। ये हो गए आपके डिफरेंसेस। नेक्स्ट इज साइटोप्लाज्म। तो हमने क्या पढ़ा? साइटोप्लाज्म क्या होता है? ये आपका एक सेल है, ये न्यूक्लियस है। सेल वॉल और न्यूक्लियस, सेल मेम्ब्रेन और न्यूक्लियस के बीच में जो लिक्विड होता है उसको बोलते हैं साइटोप्लाज्म, ठीक है। साइटोप्लाज्म जो है वो टेक्स वेरी लिटिल स्टेन। अब हमने जब स्टेन किया था तो हमने देखा कि साइटोप्लाज्म जो है हल्का दिख रहा था, बाकी सब डार्क दिख रहे थे, तो ये ज्यादा स्टेन नहीं होता, कलर नहीं लेता। ये क्या है साइटोप्लाज्म? इट इज द फ्लूइड कंटेंट इन द प्लाज्मा मेम्ब्रेन, और इसके अंदर होते हैं बहुत सारे सेल ऑर्गेनेल्स, जिसको हम लोग एक एक करके पढ़ेंगे, ठीक है। अब हम लोग बात करें किसकी? वायरस की। तो वायरस में कोई मेम्ब्रेन नहीं होता, इसमें लाइफ के कोई भी कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं होते। ये फंक्शनल तभी होता है जब किसी होस्ट के अंदर, किसी बॉडी के अंदर जाएगा, तभी वो मल्टीप्लाई कर सकता है, अदरवाइज इट इज कंसिडर्ड एज डेड। नेक्स्ट टॉपिक, एंडोप्लाज्मिक रेटिलियम। एंडोप्लाज्मिक रेटिलियम न्यूक्लियस से अटैच्ड होता है। दो होते हैं,
एक होता है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिनियम और दूसरा स्मूथ। रफ दिख रहा है, ये रफ 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 दिख रहा ना, रफ क्यों दिख रहा है, क्योंकि इसमें जो डॉट 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 दिख रहे हैं राइबोसोम्स होते हैं, इसकी वजह से ये रफ दिखता है और दूसरा वाला स्मूथ होता है। ठीक है, तो एंडोप्लाज्मिक रेटिलियम लार्ज नेटवर्क ऑफ मेम्ब्रेन्स, दो टाइप के होते हैं रफ और स्मूथ। अगर हम लोग रफ को देखेंगे तो वो क्या दिखता है, उसमें राइबोसोम्स अटैच होते हैं जिसकी वजह से वो रफ दिखता है। और राइबोसोम्स क्या है, राइबोसोम्स बेसिकली वहां पर प्रोटीन्स बनता है, साइट जहां पर प्रोटीन मैन्युफैक्चर होता है उसको बोलते हैं राइबोसोम्स। ठीक है, और यहाँ पर प्रोटीन बनता है और फिर उसको ट्रांसपोर्ट कर दिया जाता है, जबकि जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिलियम होते हैं वहां पर बनता फैट मॉलिक्यूल, जिसको हम लोग लिपिड भी बोलेंगे। ठीक है, और क्या बन गया, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिलियम में प्रोटीन बन गया, स्मूथ वाले में लिपिड बन गया, ये दोनों मिलकर सेल वॉल को बिल्ड करने में, रिपेयर करने में यूज होता है। इस प्रोसेस को, ये जो बिल्डिंग है ऑफ द सेल मेम्ब्रेन, दिस प्रोसेस इज नोन एज बायोजेनेसिस, इंपॉर्टेंट एग्जाम में आता है। ठीक है, तो आपने देखा स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिलियम और रफ, एक में फ्लैटेंड सैक्स होते हैं, एक में वेसिकल्स ट्यूब्स होते हैं, एक जो है अटैच्ड होता है आउटर और एक में राइबोसोम्स नहीं होते हैं, एक में राइबोसोम्स होते हैं जिसकी वजह से रफ दिखता है, दूसरे में राइबोसोम्स नहीं होते इसलिए स्मूथ। फर्स्ट बनाता है प्रोटीन, सेकेंड बनाता है लिपिड्स। एक होता है एंडोक्राइन और पेनिक्रेटिक सेल्स में और दूसरा अबंडेंट इन लिवर। शॉर्ट में बता दिया मैंने। नेक्स्ट, लाइसोसोम्स। तो लाइसोसोम्स आर द वेस्ट डिस्पोजल सिस्टम, अपने बॉडी के अंदर जो वेस्ट है डिस्पोज कैसे करेंगे। ठीक है, तो कैसे करता है ये डिस्पोज, अगर कोई फॉरेन मटेरियल, कोई बाहर से कोई वायरस और कोई सेल ऑर्गेनेलीज, बाहर से अगर कोई क्या आएगा, बैक्टीरिया वायरस, तो क्या करेगा ये, उसको खा जाएगा, डाइजेस्ट कर जाएगा, और कभी कभी अपने खुद के सेल ऑर्गेनेलीज जो खराब हो गए हैं उसको भी ये क्या करेगा, डाइजेस्ट करेगा, डाइजेस्ट करके रिमूव कर दे। तो ये वेस्ट रिमूवल सिस्टम है। वेस्ट क्या है, जो बैक्टीरिया वायरस आ रहा वो भी वेस्ट है, जो वॉर्न आउट सेल ऑर्गेनेलीज है वो भी तो वेस्ट है, उनको भी तो हटाना है बॉडी से। तो ये काम किसका, लाइसोसोम्स का। ठीक है, तो बैक्टीरिया हमने खाने के साथ में बैक्टीरिया वगैरह गया, वो उसको ब्रेक कर देगा, ब्रेक करके उसको डाइजेस्ट कर जाएगा। बहुत सारे फंक्शंस हैं इसके। ठीक है, लाइसोसोम्स के, इसका एंजाइम्स जो होता है बहुत पावरफुल होता है, इट इज केपेबल ऑफ ब्रेकिंग डाउन ऑल ऑर्गेनिक मटेरियल, सबको वो ब्रेक कर सकता है, और कुछ केसेस में अगर सेलुलर मेटाबॉलिज्म में डिस्टर्बेंस हो तो क्या होगा, ये बस्ट हो जाएगा, और बस्ट हो जाके क्या करेगा, वो सेल को खुद ही डाइजेस्ट कर जाएगा, इसीलिए उसको बोलते हैं सुसाइडल बैग, उसने समझ लो सुसाइड कर लिया। ठीक है, और ये डाइजेस्टिव एंजाइम्स कहां पर बनते हैं, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिलियम इन द लिवर सेल्स, वर्टिब्रेट्स के लिवर सेल्स में जो SCR स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिलियम, ये क्या करता है, पॉइजन्स को डिटॉक्सिफाई करता है, पॉइजन को रिमूव करने का काम करता है। चलिए और आगे देखते हैं, नेक्स्ट क्या आ गया, गोल्जी अपरेटिस। गोल्जी अपरेटिस आप देखेंगे कि गोल्जी अपरेटिस, ये न्यूक्लियस है, यहाँ पर एंडोप्लाज्मिक रेटिलियम है, अलग से ये दिख रहा है गोल्जी अपरेटिस। ठीक है, तो गोल्जी अपरेटिस सबसे पहले बार किसने देखा था,
कैमेलोबोल जी, उन्होंने देखा कि मेम्ब्रेन बाउंड वेसिकल्स हैं, सिस्टेंस हैं, स्टैक्स हैं, ठीक है, वो इंटर कनेक्टेड हैं। इनका काम क्या है? इनका काम ये है कि जो प्रोटीन्स और जो लिपिड्स बने उनको पैक करना, डिस्पैच करना, कहाँ? इनसाइड एंड आउटसाइड पूरे सेल्स में, ठीक है। जो चीजें बन रही है प्रोटीन्स और लिपिड्स और ये चीजें स्टोर करना, मॉडिफाई करना, पैकिंग करना, कॉम्प्लेक्स शुगर बनाना फ्रॉम सिंपल शुगर। और गोल्जी एपरेटिस इज इन्वॉल्व्ड इन द फॉर्मेशन ऑफ लाइजोसोम्स। लाइजोसोम्स कहाँ बनते हैं? गोल्जी एपरेटिस, याद रखना। ये हो गया गोल्जी एपरेटिस। नेक्स्ट आ रहा है माइटोकॉन्ड्रिया। तो माइटोकॉन्ड्रिया इज नोन एज पावर हाउस। पावर हाउस क्यों बोलते हैं? क्योंकि इसके अंदर रेस्पिरेशन रिएक्शन होगा, मतलब जो ग्लूकोज है वो ऑक्सीजन से रिएक्ट करके क्या बनाएगा? कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर प्लस एनर्जी। एनर्जी मतलब इन द फॉर्म ऑफ एटीपी। एटीपी बनाएगा, एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। एटीपी मतलब एनर्जी करेंसी। ऐसा समझ लीजिए कि बैटरी चार्ज हो गई, चार्ज होके रखी है, जब एनर्जी की जरूरत पड़ेगी तब ये एटीपी जो है ये एटीपी ब्रेक हो जाएगा एडीपी में, प्लस एनर्जी रिलीज कर जाएगा। तो पावर हाउस में क्या हो रहा है, माइटोकॉन्ड्रिया में क्या हो रहा है? रेस्पिरेशन, ग्लूकोज ऑक्सीजन से रिएक्ट करके ये माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर होता है ना, कार्बन डाइऑक्साइड वाटर और एटीपी बनाएगा। एटीपी को एनर्जी करेंसी, जब जरूरत पड़ेगी तब वो एनर्जी में कन्वर्ट कर देगा। माइटोकॉन्ड्रिया में दो मेम्ब्रेन होते हैं, एक आउटर जो पोरस होते हैं, क्योंकि चीजें अंदर बाहर आनी जानी है तो पोरस होगा, और इनर वाला जो है वो डीपली फोल्डेड। आप देख रहे हैं ये ऐसा फोल्ड 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 फोल्ड। अगर बहुत बड़ा कपड़ा आपको छोटी सी जगह में रखना है तो क्या करेंगे? फोल्ड कर करके रखेंगे ना। क्यों? क्योंकि इसका सरफेस एरिया हमें ज्यादा चाहिए, बहुत लंबा एरिया चाहिए इतनी सी कम जगह में, तो फोल्ड कर कर करके अंदर रखना है, क्योंकि यहीं पे तो बनेगा रेस्पिरेशन रिएक्शन, जो यहीं पर होगा यहीं पे एटीपी जनरेट होगा। जितना ज्यादा सरफेस एरिया उतना ज्यादा एटीपी जनरेशन। तो ये जो आउटर सरफेस, इनर सरफेस जो है डीपली फोल्डेड, इसको बोलते हैं क्रिस्टिक। डीपली फोल्डेड जो है इसको बोलते हैं क्रिस्टिक। माइटोकॉन्ड्रिया का अपना खुद का डीएनए और राइबोसोम्स होता है, और वो अपने खुद के प्रोटीन्स बनाते हैं। नेक्स्ट टॉपिक प्लास्टिड्स, ठीक है। प्लास्टिड्स ये देख लीजिए, एक होता है क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट, ल्यूकोप्लास्ट। जिसके अंदर क्लोरोफिल होता है, ग्रीन पिगमेंट्स, फोटोसिंथेसिस उसी के अंदर होता है, वही फूड बनाता है, उसको बोलते हैं क्लोरो। क्लोरोफिल जिसके अंदर होते हैं उसको बोलते हैं क्लोरो। क्रोमो मतलब कलर, जो आपके फ्रूट्स को, फ्लावर्स को, लीव्स को कलर देता है, अलग अलग कलर, ठीक है, रेड ऑरेंज येलो पिगमेंट्स होते हैं इसके अंदर, यह है क्रोमो फाउंड इन द फ्रूट्स फ्लावर। और ल्यूको, इसमें कोई पिगमेंट्स नहीं होता, या तो वाइट या ट्रांसपेरेंट होता है, ये स्टार्च स्टोर करने के काम आएगा। आगे और देखें। अच्छा, और एक और चीज, ये क्या चीज है? ये क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट में क्या होता है, ये ऐसे दिख रहे हैं स्ट्रक्चर, इस तरह सा कुछ इसका इंटरनल स्ट्रक्चर होता है जिसको बोलते हैं स्ट्रोमा। और ये पूरा जो एक के ऊपर एक स्टैक है ना, एक के ऊपर एक रख दिया, इसको बोलते हैं थैलाकॉइड। ये इंटरकनेक्टेड भी होता है, और इसको हम लोग क्या बोलते हैं? किचन ऑफ द सेल। किचन क्यों? क्यों यहीं पर फूड प्रिपेयर हो रहा है, राइट। ये है आपका क्लोरोप्लास्ट। आगे देखेंगे डिटेल में। क्लोरोप्लास्ट बोल रहा है दो टाइप के, मेनली दो टाइप के, एक जो कलर्ड होते हैं और एक जो कलर्ड नहीं होते।
कलर्ड में भी दो हो गए, है ना, एक हो गया जिसमें ग्रीन कलर, उसको बोलते हैं क्लोरोप्लास्ट, अगर क्लोरोफिल है तो क्लोरोप्लास्ट है, और अगर दूसरे कलर है तो उसको बोलते हैं क्रोमोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट के अंदर फोटोसिंथेसिस होता है, क्लोरोफिल के बिना तो फोटोसिंथेसिस होगा नहीं, और क्लोरो जो है एडिशनल कलर के लिए, क्लोरोप्लास्ट मतलब येलो ऑरेंज कलर, ये क्रोमोप्लास्ट में होता है। ल्यूकोप्लास्ट क्या करेगा, स्टार्च ऑयल प्रोटीन को स्टोर, ठीक है। इंटरनल ऑर्गेनाइजेशन, अगर अंदर का ऑर्गेनाइजेशन हम देखें किसका, क्लोरोप्लास्ट का, तो मैंने आपको ये दिखाया था क्लोरोप्लास्ट इंटरनल ऑर्गेनाइजेशन, ये है कि वो बहुत सारे छोटे छोटे मेम्ब्रेन होते हैं जिसको स्ट्रोमा बोलते हैं, स्ट्रोमा फिर स्टैक होता है उसको हम लोग थैलाकॉइड बोलते हैं, इस तरह का इंटरनल उसका स्ट्रक्चर होता है। प्लास्टिड्स भी दिखने में माइटोकॉन्ड्रिया के जैसे होते हैं, देखो दो चीज, प्लास्टिड्स दिखने में भी माइटोकॉन्ड्रिया की तरह होते हैं और इसमें भी माइटोकॉन्ड्रिया की तरह खुद का डीएनए और राइबोसोम्स होता है। तो प्लास्टिड्स और माइटोकॉन्ड्रिया में ये सिमिलैरिटी हो गई कि दोनों दिखने में एक जैसे होते हैं स्ट्रक्चर, और दोनों के खुद के डीएनए और राइबोसोम्स होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक आएगा वॉक्यूल, ठीक है। तो वॉक्यूल क्या है बेसिकली, यहां पर स्टोरेज होनी है बहुत सारी चीजें, क्या क्या स्टोर होगा, अमीनो एसिड्स, शुगर, ऑर्गेनिक एसिड्स, प्रोटीन्स, वाटर, यहां पर स्टोर करना है। एनिमल्स में ये बहुत छोटे छोटे और कई सारे होते हैं, प्लांट सेल में कम होते हैं, बहुत कम, लेकिन काफी बड़े बड़े, कई बार तो 50-90% पूरा वॉल्यूम जो है प्लांट सेल का सिर्फ वॉक्यूल ही लेता है। क्यों? क्योंकि इसमें इतनी सारी चीजें स्टोर करना है, प्लस इट प्रोवाइड्स टर्जिडिटी एंड रेजिडिटी, सेल फूला फूला टाइट ऐसा बना रहता है वॉक्यूल की वजह से, ठीक है। और बहुत सारी चीजें हैं जो लाइफ के लिए इंपॉर्टेंट है, वो सब वॉक्यूल्स में स्टोर होती है, अभी आपको बता दिया मैंने, अमीनो एसिड, शुगर, ऑर्गेनिक एसिड, प्रोटीन, वाटर, ये सब इसमें स्टोर होता है। अच्छा, वॉक्यूल्स, कुछ स्पेशलाइज्ड वॉक्यूल्स होते हैं जो एक्सेस वाटर को एक्सपेल करने के भी काम आते हैं, तो वो भी वॉक्यूल की हेल्प से ही होगा, जैसे हमने देखा था ना एंडोसाइटोसिस और एक्सोसाइटोसिस, तो वॉक्यूल से ही अंदर लेना और वॉक्यूल से ही एक्सपेल करना। एनिमल सेल्स थोड़े छोटे होते हैं और प्लांट सेल थोड़े बड़े, थोड़े बड़े क्यों, क्योंकि एक्स्ट्रा एक लेयर है उसमें, क्या, सेल वॉल, सेल वॉल एब्सेंट होता है, सेल वॉल इसमें प्रेजेंट होता है जो कि रिजिड है और सेलुलोज का बना है, ठीक है। इसमें प्लास्टिड्स नहीं होते एनिमल सेल में, केवल प्रोटोजा यूक्लिना को छोड़कर बाकी में प्लास्टिड्स नहीं होते, प्लांट सेल में होते। वॉक्यूल्स छोटे छोटे बहुत सारे होते हैं, इसमें कम होते हैं लेकिन बड़े बड़े होते हैं, ठीक है। यहां पर क्या है, गोल्जी एपरेटिस जो है वो सिंपल होता है, यहां पर थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स होता है। एनिमल सेल्स में सेंट्रोसोम्स और सेंट्रियोल्स भी होते हैं, जबकि ये प्लांट सेल में नहीं होते हैं।